हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फोटो फ्रेम कैसे करना है वो सिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी ये कर। अभी ये देखिए, मैं थोड़ा यहाँ कैमरा एडजस्ट करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। हाँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये कार्डबोर्ड है। एक कार्डबोर्ड है, इसे हमने इसके ऊपर एक प्लेट रख के, एक बड़ा कार्डबोर्ड था उसके ऊपर मैंने एक राउंड शेप का एक प्लेट रख के उसकी आउटलाइन मैंने कर ली पेंसिल से। उसके बाद उसे मैंने कट कर दिया। थोड़ा पतला है तो आप सीजर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कटर से भी आप कर सकते हैं। फिर कट करने के बाद हमने उसे देखिए, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे हमने मार्किंग करके ली। मार्किंग एक प्लेन पेपर आप कट कर लेना, ये इसी साइज का, फिर उसे फोल्ड करके साइड में कट करते हैं तो उसका मार्किंग हमें मिल जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसे बताया है। एक सेकेंड, ये देखिए इस तरह, ये जो है ना, देखिए ऐसे कट करके, यहाँ देखिए यही साइज का है। फिर हमने उसे इस तरह फोल्ड करके लिया, इसे ना फोल्ड करके लिया हमने, देखिए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे किया यहाँ और यहाँ कट कर दिया, तो ऐसे हो जाता है ना यहाँ। इस तरह कट करके लेना है आपको ऐसे। आपको कितना डिस्टेंस, बहुत दूर दूर नहीं लगाना रोल्स को। तो देखिए इस तरह 1.5 सेंटीमीटर उतना होना चाहिए गैप, बहुत दूर दूर नहीं लगाना। ऐसे, फिर ये जो है वो हमारे बोर्ड के ऊपर रख के, ऐसे रखने के बाद यहाँ पे पेंसिल से हम मार्क कर लेते हैं तो सब जगह हमें मार्किंग मिल जाएगी, है ना। देखिए इसके ऊपर जब हम ऐसे रखते हैं और पेंसिल से यहाँ पे मार्किंग, आपको दिख रहा है यहाँ मार्किंग, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, इस तरह मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने होल कर लिया। आप एक पेंसिल को एकदम शार्प कटर से उसका पॉइंट करके उससे भी आप यहाँ पे होल्स कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके लेना ताकि ये जो है रोल उसके अंदर से निकल जाए। निकलना चाहिए ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया वीविंग। ये वीव मैंने ब्राउन बास्केट में आपको सिखाया है, हेन बास्केट में सिखाया है, तो हर बार उसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ आप उसे रेफर करके लेना। वो कैसे करना होता है अब देखिए, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा अटैच करके लेती हूँ और एक रोल। देखिए लास्ट एंड में ना इस तरह कट करके लेना है आपको। हाँ, राउंड नहीं रखना, थोड़ा सा टेढ़ा कट करके लेना हमेशा। अब देखिए ये वीविंग कैसे होगी, ऐसे ये जो है देखिए
देखिए इसके अंदर से यहाँ चला जाएगा, ऐसे दिख रहा है आपको, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये जो है ना देखिए, ये यहाँ सामने से ऐसे आया है, ये पीछे है, ये जो है ये इसके पीछे से चला जाएगा और सामने लाके रखना है ऐसे, ये दोनों को हमेशा सामने रखना। अब ये देखिए, ये पीछे है और ये आगे है, तो ये पीछे वाला है, ये जो स्ट्रेट है इसके पीछे से चला जाएगा ऐसे और यहाँ पे आएगा, देखिए सामने दोनों को, फिर से पीछे वाला है वो यहाँ पे चला जाएगा ऐसे। इस तरह ये वीविंग होती है। तो अब देखिए ऐसे हो गया ना, ये ऐसे अब ये जो है देखिए ऐसे था ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोटो चिपका के लिया है, ये यहाँ पे एक फोटो चिपका के लिया है। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई मैगजीन्स होते हैं ना, उसके ऊपर सुंदर से ऐसे फोटोग्राफ्स होते हैं, उन्हें आप उसके ऊपर एक प्लेट रख के राउंड कट करके लेना है, फिर वो एक कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा फेविकॉल लगा के उसे स्प्रेड करके ये चिपका के लेना, अच्छे से स्प्रेड करके चिपका के लेना, फिर होल्स करना है और उसके अंदर से रोल्स डाल के जैसे मैंने बना के लिया है वैसे बना के लेना। अब देखिए ये जो है यहाँ तक आ गया ना, अब हम इसे देखिए ऐसे, ये जो है ना यहाँ पीछे का, ये अब हम यहाँ इसके साथ मिला के वेव करेंगे। पहले मैंने यूं ही वेव किया सिंगल को लेके, नहीं तो ये नजर आता है यहाँ, देखिए अगर हम ऐसे डायरेक्ट वेव करते हैं ना तो ये नजर आता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी यहाँ से ही डायरेक्ट हम वेव कर सकते हैं ऐसे पकड़ के दोनों को, अगर दोनों पकड़ के करेंगे तो ऐसे नजर आएगा सामने। अब क्या हुआ है, यहाँ डायरेक्ट व्यू नजर आ रही है। आप देखिए अपना खुद का फोटो जो भी है, बच्चों का फोटो है या फिर भगवान का है, आप कुछ भी इसके अंदर डाल के आप फोटो फ्रेम कर सकते हैं। ऐसे हो गया। अब यहाँ आने के बाद ये दोनों को लेके व्यू करना, स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट रखना और दोनों को मिला के व्यू करना है, देखिए ऐसे ये दोनों को ऐसे पकड़ के फिर व्यू करना, देखिए ऐसे, ऐसे दोनों को स्ट्रेट सामने ऐसे पकड़ के फिर व्यू करना ऐसे, देखिए ऐसे दोनों को ऐसे सामने सामने लेना और फिर दोनों को साथ लेके, ये आगे है एक पीछे है ना, इन दोनों को साथ में लेके आपको वीविंग करनी है ऐसे, ऐसे करते जाना है। देखिए अगर हम यहीं से ऐसे करते हैं तो ये अगर नजर आ रहा है, समझो ऐसे ऐसे नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, और एक राउंड सिर्फ एक को ही लेके व्यू करेंगे। अब ये दोनों लेके हम व्यू कर रहे हैं तो यहाँ से ये नजर आ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, और एक राउंड यहाँ सिंगल, ये सिंगल जो है इसी को लेके व्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को लेके करेंगे, चलेगा? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताती हूँ। देखिए अब मैं ये सिंगल लेके ही कर रही हूँ, मैंने आपको बताया ना दोनों को लेके कैसे करना, दोनों को लेके करेंगे तो क्या होता है, यहाँ से वो दिख रहा था, अब हम देखिए सिंगल अगर लेके कर रहे हैं इसी को लेके, तो यहाँ पे और एक राउंड अच्छे से आएगा, उसके बाद में हम दोनों को लेके करेंगे। ये जो नीचे है ये इसे भी हम जॉइन साथ में रख के करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का बताती हूँ, ठीक है?
तो फिर चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से।